आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रियल कोरोना योद्धा पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों का महाविद्यालयीन युवा स्वयं सेवकों द्वारा फूल वर्षा द्वारा किया गया सम्मान। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तात्या टोपे नगर महाविद्यालय स्वयं सेवक द्वारा स्थान नागेश्वर धाम मंदिर टीटी नगर में 2 बजे समस्त मीडिया कर्मी एवं पत्रकारों का फूल वर्षा द्वारा और होम केयर किट जिसमें ऑक्सीमीटर एवं थर्मामीटर एवं उपयोगी 12 प्रकार की दवाई और सम्मान पत्र देकर सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर महाविद्यालय प्रमुख राजकुमार वानखेड़े, अनिल त्यागी, बस्ती पर्यावरण प्रमुख अनिल पाटिल, अजय वोमरड़े, सौरभ मिश्रा, पवन जोशी, सिद्धांत यादव, हेमंत सिंह ठाकुर, सुजित पांडे, अमन यादव, अखिलेश सैन, शंकर कुशवाहा आदि स्वयंसेवक उपस्थित रहे। मीडिया बंधुओं का सम्मान हेडलाइन 24 के संपादक संतोष योगी, नवभारत के सुशील मिश्रा, शक्ति दीदी, भज्जी आशीष, गौरव राजपूत, कमल सैनी आदि कई वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान हुआ। अजय जी, आज मीडिया का सम्मान किया गया, क्या भविष्य में भी आप इसी प्रकार मीडिया सम्मानित करते रहेंगे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कोरोना के संकट की घड़ी में पत्रकार लोग भी बिल्कुल मुद्दे पर खबर चलाते रहें और रात दिन लगे रहें, तो इसलिए हमें एक विचार आया कि वो भी रात दिन लगे रहते हैं पत्रकार लोग और कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं कोरोना की इस विपत्ति की घड़ी में, इसलिए हमने आज उन लोगों का सम्मान करवाया है और सम्मान स्वरूप उनको एक कोरोना किट भेंट करी है जो आने वाले समय में उनके लिए उपयोगी हो सकती है, इस प्रकार हमने उनका सम्मान किया है। सर नाम बताइए। सर राजकुमार वानखेड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तात्या टोपे नगर से, नगर महाविद्यालय प्रमुख का दायित्व। सर आज आपने कोविड में जिन पत्रकारों ने अपनी सच्ची निष्ठा से काम करा था उनका सम्मान करा, आपको कैसा ख्याल आया कि वास्तव में मीडिया का सम्मान करना चाहिए? भाई साहब, लॉकडाउन से लगातार हमारी टीम वर्क कर ही रही थी क्षेत्र में, चाहे वो राशन वितरण का काम हो, भोजन वितरण का, वैक्सीनेशन में सहयोग, अन्य भी किसी प्रकार की सहायता हो, दवाइयाँ पहुँचाना, हमारी टीम लॉकडाउन से लगातार कार्य कर ही रही है। हमारी पूरी टीम के मन में विचार आया कि लॉकडाउन में मीडिया कर्मी, नगर निगम कर्मी, पुलिस कर्मी, ये सभी लोग, इनकी भूमिका बड़ी सराहनीय रही है, इन्होंने रात दिन लगातार मिलकर कार्य कराए। हमारे मन में विचार आया कि हमें मीडिया कर्मियों का सम्मान करना वो बेहद जरूरी है ताकि इनको प्रेरणा मिले और आगे भी अच्छे कार्य कर सकें। इसी प्रकार से विचार आया, हमने एक मंदिर में सब फूल वर्षा के द्वारा सभी पत्रकारों का स्वागत किया। सर कितने पत्रकारों ने सम्मानित किया आपने? सर 15 से 20 पत्रकारों का हमने यहाँ टीटी नगर में सम्मान किया। सर सम्मान स्वरूप उन्हें क्या आपने दिया, मतलब कोरोना किट दिए, क्या दिए? सम्मान स्वरूप फूल वर्षा करी गई भाई साहब, फूल से स्वागत करा गया और होम केयर किट दी गई है भाई साहब उन सभी लोगों को, जिसमें 12 प्रकार की दवाइयाँ, यह किट बेंगलोर से यहाँ पे आई गई है, इसमें प्राइवेट दवाइयाँ हैं, विटामिन की दवाइयाँ, पैरासीटामोल है, 12 प्रकार की ऐसी टोटल दवाइयाँ जो उनको दी गई है।